celebrating the renewal of our 30th anniversary, marriage anniversary. And there is no better place on earth than to celebrate it here with all of you. Thank you for your hospitality, your kindness, and your endless smiles. And you like to enjoy our village, like local life and all? Yes, it's absolutely, it's so bright. The sun is everywhere, even when it's raining, and everyone is so kind. And I love the kitchen as well. And what do you think about the Indian family? The Indian families are very robust and very solid and linked together. So I'm very grateful to be here to celebrate with this kind of atmosphere in India with you. Wow. Just one word in conclusion. Incredible India. Incredible Tohan. Jai Shiram. नमस्कार, मेरा नाम सोहन सिंह राठौड़ है और मैं फ्रेंच लैंग्वेज में एस्कॉर्टिंग करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो ये फर्स्ट बार जब राजस्थान घूमना है तो मैं ही टूर लीडर था, तो इनको अपना कल्चर बहुत अच्छा लगा। तो जब ये दूसरी बार इंडिया आए तो उन्होंने बोला कि मुझे हिंदू कल्चर रीति रिवाज से शादी करनी है। तो मैंने फिर अपने गाँव में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि एक्चुअल कल्चर जो देखना है तो वो गाँव में ही मिलता है, ना कि सिटी में। इसलिए मैंने ये शादी जो है कि 6 महीने पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो कि आज 30 साल इनकी शादी के ऑलरेडी हो चुके हैं, जो इन्होंने शादी की थी इनके देश में फ्रांस में इनके कल्चर से। बट टुडे 30th anniversary है, 30 साल हो गए हैं शादी को, तो ये हिंदू रीति रिवाज से करना चाहिए। तो अब बढ़िया शादी संपन्न हुई और इससे ये काफ़ी खुश है। आज की रस्म जैसे कि अपने हिंदू रीति रिवाज में होते हैं, इनको बढ़िया से ट्रेडिशनल कपड़े पहनाए गए हैं। साफा आप देख सकते हैं, साफा पहना के मैम को भी बढ़िया सूट पहनाया गया है एज ए राजपूती कल्चर के हिसाब से। फिर इनको घोड़े पे बिठा के और तलवार अलवार लाइक किंग ऐसे करके वापस गांव के साथ हम आए। बीच में नाच गाना भी हुआ और यहाँ मंदिर में फेरे करवाए गए साथ, जैसे कि मांग भरवाई जाती है वो भी भरवा के, और फिर सारे गांव वालों से इनसे मिलवाया, सब ने आशीर्वाद दिया, किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने पैसे दिए, जो कि एक इंडियन कल्चर में होता रहता है, उसी हिसाब से शादी करवाई गई।